नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब आप एमएस वर्ड में काम करती हो मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो वहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखती हो। टेक्स्ट लिखने के बाद उसकी स्पेलिंग आप बारीकी से चेक करती हो। तो दोस्तों जिस तरह कंप्यूटर लैपटॉप में स्पेलिंग एंड ग्रामर का फंक्शन यूज करके हम स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं और उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एमएस वर्ड में मोबाइल के अंदर हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको केवल ये फंक्शन को एक्टिव करना है। उसके बाद जो गलतियाँ आपने की हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी और आप उसे यहाँ से चेंज करके उसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत से यूज़र के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, वो अपने कंप्यूटर संबंधित सारे काम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो आज उनको बताएंगे एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम कैसे हाईलाइट करें और कैसे सही करें। तो यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और मोबाइल के अंदर कंप्यूटर का भी काम करते हैं, तो इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम WPS ऑफिस का ऐप यूज करते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल के लिए, और यहाँ पर इस ऐप से आप इन फाइलों को आप आसानी से ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऐप है, यहाँ फ्री और प्रीमियम दोनों है, तो आप फ्री में यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, सिंपल समझाते हैं। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसमें हम यहाँ से बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप में स्पेलिंग ग्रामर हम यूज करते हैं, यहाँ पर रीचेक आता है स्पेलिंग का। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा टूल में जाना है। ठीक है, तो टूल में जाने के बाद आपको मेन्यूअर मिलेंगे, होम, फाइल, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू एंड रिव्यू। तो आपको रिव्यू पर क्लिक कर देना है। रिव्यू पर क्लिक करने का नीचे एक बटन आएगा स्पेल चेक का, आपको स्पेल चेक पर क्लिक कर देना है। स्पेल चेक पर क्लिक करने के बाद आपके जो कंटेंट में टाइप वर्ड अगर कोई गलती पाया जाता है तो वहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। तो देखिए यहाँ नीचे रेड कलर की लाइन आ गई, तो इसमें कुछ गलती है तो आप इसको सही कर लें। देखिए यहाँ पर एस लग गया, ऑपरेशन है शायद। ठीक है, अगर मैं एस हटाता हूँ तो शायद ही सही हो जाएगा, शायद ये ऑपरे यहाँ पर देखती है ऑपरेशन होगा ये, है ना। तो ये देखिए एक मिस्टेक हो गई, देखिए आप साइड में ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर प्रो रामिंग होगा शायद, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ प्रोग्रामिंग ही होगा शायद, मुझे लगता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग, हाँ ये है। ठीक है, एंड फिर से हमारा एक वर्ड रह गया ये नीचे वाला, तो इस पर यहाँ पर ऑपरेशंस होगा ही शायद ही ऑपरेशन, हाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द स्पेल चेक हैज़ बीन कम्प्लीट। ठीक है, तो आप जब एमएस वर्ड में काम करेंगे और बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो आप बारीकी से चेक करने के बजाय आप केवल रिव्यू में इस फंक्शन को एक्टिवेट कर लें, आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, आप सेटिस्फाई नहीं है कि फिर से गलती हो सकती है तो आप रीचेक कर देंगे तो वो चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और उसमें ठीक कर सकते हैं मोबाइल से एमएस वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।